वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगे। ऐसे में महिला होने के नाते गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं का मानना है कि पिछले लंबे समय से बजट में उनके लिए हमेशा निराशा ही रही है और इस बार वो उम्मीद कर रही हैं कि बजट में उन्हें राहत मिले। महिलाओं का यह कहना है कि उनको घर की रसोई चलाने में काफी परेशानी आती है। पहले वो 5,000 में अपना घर का गुजारा कर लेती थी, अब 10,000 में उनका गुजारा नहीं हो पाता। पहले रसोई गैस का सिलेंडर 400 तक भर जाता था, अब 1,000 रुपए तक हो गया है। महिलाएं चाहती हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया जाए वो आम आदमी को ध्यान में रखकर पेश किया जाए। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो आम आदमी पे सारा बोझ पड़ रहा है। हाई क्लास सोसाइटीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोअर क्लास को सरकार इतनी फैसिलिटीज दे रही है, जो मिडिल क्लास है वो पिस रहा है इसमें। तो यही उम्मीद है कि कुछ इसके एटलीस्ट 1,000 रुपए को टच कर रहा है, कुछ तो कम होने चाहिए इसके दाम ना। बहुत आधो आध का फर्क पड़ गया। अब से कुछ साल पहले तक 400 तक का आ रहा था सिलेंडर, 350-400 का आ रहा था, जो कि अब 950 का पूरे 1,000 ही समझ लो आप। पहले तो अपने बच्चे पालने को बहुत थी आमदनी थी, जो अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे। अब तो अपने 150 रुपए की आमदनी होती है, तो उससे अब बताओ कैसे अब गुजारा करें, बच्चों को पालें कि किसी का ले में कि दे में, क्या करें क्या नहीं करें, हारी परेशानी में। पहले घर खर्च चलाने में कितना, पहले तो देखो जी 5,000 में हो जाता था अपना गुजारा, अब 10,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा है। तो बजट का देख रहे भैया, पूर्ति ना, वेरी गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, सुबह के जहाँ सांझ के लिया में बाल करने पैर रहे हैं। सरकार बजट पर पेश करने जा रही है, किस तरीके के बजट की आशा लगा के बैठे हो आप लोग? भैया हम तो ये बैठे, हमें 2 पैसा फालतू मिले, हमारे बच्चे इनकी पूर्ति हो।